तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत अलग तरह की यूनिक रेसिपी। आज हम खूब हरी हरी मिर्च का तीखा तीखा भरता बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम हरी मिर्च का भरता बनाएंगे। आप लोग ने अलग अलग भरता खाया होगा, लेकिन हरी मिर्च का भरता आपने कभी नहीं खाया होगा। तो देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं ये यूनिक रेसिपी। तो आपके पास अगर इस तरह का रोटी बनाने वाला तावा है तो बहुत ही बढ़िया है। रोटी के बनाने वाले तावे पे ही ये भरता बनेगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा लोखन के बर्तन में। तो इसमें मैंने सरसों का तेल 2 टेबलस्पून ऐड किया है और थोड़ा सी मैंने जीरा ऐड किया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सरसों के तेल से भरते में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 15 से 20 और या 25 भी हो सकता है, एक अंदाज़ा बता रही हूँ मैं। यहाँ पे हरी हरी खूब तीखी हरी मिर्ची है, तो आप भी अपने हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें मिर्ची को डालना है और कवर कर देना है फौरन ही, ताकि आप पर तेल का छींटा ना उड़े। तो देखिए, कुछ सेकेंड के बाद मैं हटा लेती हूँ। और तेल भी हमने कम ऐड किया था क्योंकि तेल उड़ता है, तो मैं बाद में तेल भी ऐड कर लूँगी 1 चम्मच। तो टोटल हमें 3 चम्मच तेल लगेगा और कुछ लहसुन की कलियाँ भी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। जब स्लो स्लो लहसुन टमाटर और हरी मिर्चें पकेंगी ना गाइस, तो कमाल का फ्लेवर आएगा। तो देखिए, टमाटर को मैंने 1 टमाटर में से 4 टुकड़े कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिया है और इन्हें भी मैंने डाल दिया है तावे पर। अगर आपके पास तावे की जो लोखन की जो कढ़ाई है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो नमक हाथों से देखिए एक अंदाज़ा हो जाता है ना, कि आप एक अंदाजे नमक ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसमें थोड़ा सी धनिया पत्ता भी जाएगा। सारा कुछ हमें डाल के इसको कुछ सेकंड के लिए रख देंगे पकाने के लिए, जो कि स्लो स्लो मीडियम फ्लेम पर या स्लो फ्लेम पर पकते जाएगा। और हो सके तो बीच में एक बार चेक भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है छोड़ दीजिए ये अपने आप पक जाएगा। हो सके तो चला लीजिए, बढ़िया रहेगा। तो मैं इसको ढकूंगी और थोड़ा थोड़ा नमक जहाँ जहाँ नहीं गया है वहाँ वहाँ थोड़ा से मिक्स करूँगी, ताकि नमक सब जगह चले जाए और जो टमाटर है अच्छे से गल जाए, सारे मसाले मिक्स हो जाए, आपस में सारा फ्लेवर जो है कमाल का हो जाएगा। तो इसको मैं ढक के पकाऊँगी। चलिए मैं इसको ढक लेती हूँ। देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून जो तेल ऐड नहीं किया था वो भी ऐड कर ले रही हूँ, उसको तो भूलिए मत, क्योंकि भरते में जो तेल होता है ना उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए इसको ढक देती हूँ। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गया, स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। तो आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो देखिए कितना बढ़िया से पक गया है, टमाटर वगैरह सारा कुछ गल गया है, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर का खुशबू आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से मैश करेंगे दोस्तों, तो टमाटर तो है मैश हो जाएगा वो, क्योंकि गल गया है, और हरी मिर्च जो है वो मैश नहीं हो पाएगी। तो हमें समय को भी बचाना है, तो इस तरह से हमें छोटा सा मिक्सी का जार लेना है और मिक्सी के जार में कुछ सेकंड के लिए चला लेना है। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है आपको, बस कुछ सेकंड के लिए चला लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसी तावे को, तावा गरम है, इसी तावे पे मैं 30 से 40 सेकंड तक का पकाऊंगी। देखिए, फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, ये दरबरा सा है, बहुत ही टेस्टी लगता है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी जब मैं इसको पीस रही थी। तो देखिए, इसको कुछ सेकंड के लिए पका लेती हूँ मैं बस तावे पर। हमें देखिए, फौरन ही मैंने निकाल लिया है इसको। और दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, वो है नींबू। आप इसमें नींबू ऐड ज़रूर कर लीजिए, नींबू से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो गर्मा गर्म बन के रेडी हो गया है हरी मिर्चियों का भरता। तो कैसा लगा बताइएगा।